जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश। मोदक के बिना गणेश चतुर्थी का त्यौहार तो अधूरा है। आज हम बनाएंगे गणेश जी का पसंदीदा मोदक। आपने अभी तक तरह तरह के मोदक बनाए होंगे, पर एक बार इस तरीके से सरल और पोहे से बने मोदक बनाएंगे तो सारे मोदक भूल जाएंगे। कम से कम सामग्री में झटपट बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमने रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। गैस ऑन कर देंगे और ये हमने लिया है पोहा। तो 1 कप पोहा लिया है। यहाँ पे आप पोहा मोटा या पतला जो भी आपको मिले आसानी से आप उसे ले लें। और जैसे ही घी गर्म हो जाता है इसमें हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या फिर बिना इसके भी आप मोदक बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 चम्मच काजू और 2 चम्मच बादाम। दोनों को छोटे छोटे पीस में काट लिया है टुकड़ों में। तो बस 30 सेकेंड तक हम घी में से हल्के से रोस्ट करेंगे और बस इसके बाद यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। पोहा मोदक बनाना बहुत ही ज़्यादा सरल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ 3 चीज़ों से आप पोहा मोदक बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और इसी बचे हुए घी में यहाँ पे हम भूनेंगे पोहे को। तो 8 से 10 मिनट के अंदर पोहे अच्छे तरीके से कुरकुरे हो जाते हैं। जब हल्का सा रंग बदलने लगे या कलर चेंज होने लगे, हल्का ब्राउन होने लगे पोहा, तो बस तभी तक इन्हें हमें भूनना है। तो यहाँ पे हम थोड़े से कलर के लिए डाल रहे हैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर या 4 पिंच हल्दी पाउडर। तो आप हल्दी पाउडर की जगह मार्केट में इसमें खाने का कलर डालते हैं, रंग डालते हैं, पर यहाँ पे हम हल्दी डालेंगे। तो हल्दी वैसे भी शुभ होती है। तो हम मोदक बना रहे हैं गणपति बप्पा के लिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आप अगर हल्दी डालते हैं। तो आप 2 से 3 पिंच भी डाल सकते हैं, जैसा आप कलर चाहें कम या ज़्यादा। तो बस इसी तरीके से गैस को मीडियम फ्लेम पे करके लगातार चलाते हुए पोहे को हमें अच्छे से कुरकुरा कर लेना है। और जब हल्का कलर चेंज होने लगे, हल्का ब्राउन होने लगे, तो बस उसके बाद गैस बंद करके हम पोहे को निकाल लेंगे। तो बहुत कम समय ही लगते हैं, झटपट बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे पोहे का कलर हल्का चेंज होने लगा है, देख रहे हैं ना, तो हल्का ये सुनहरा होने लगा है। बस इतना ही हमें भूनना है पोहे को। पोहा हमारा अच्छी तरीके से कुरकुरा हो चुका है। अगर आप चाहें तो थोड़े से पोहे को हाथ में लें और इस तरीके से मस लें और ये देखिए तुरंत ये पाउडर जैसा बन जाता है। तो बस इतना ही हमें पोहे को भूनना है और बस गैस बंद कर देंगे। पोहे सारे हम निकाल लेते हैं और जब ठंडा हो जाएगा तो पोहे को पीस लेंगे बारीक पाउडर जितना। गैस बंद कर दें, सारे पोहे को हम निकाल लेते हैं। तो चलिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक पोहा हमारा ठंडा होता है और उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कप दूध। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और दूध में उबाल आने देंगे। तो चलिए, जब तक दूध में उबाल आता है हम यहाँ पर पोहे को पीस लेते हैं। पोहे हमारे अच्छे तरीके से ठंडे हो चुके हैं और इस तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पीस ले पाउडर के जैसा। तो यहाँ पर पोहा हमारा तैयार है और इधर दूध में भी उबाल अच्छे तरीके से आ गया है। दूध में उबाल आ जाने के बाद गैस स्लो कर दें और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप। तो जिस कप से नाप करके हमने पोहा लिया था उसी कप से नाप करके यहाँ पे हमने लिया है 1 कप दूध। जिस कप से नाप करके हमने पोहा और दूध लिया है उसी कप से नाप करके डालेंगे यहाँ पे 1/4 कप चीनी। आप कम मीठा पसंद करते हैं तो 1/4 कप ही चीनी डालें। और अच्छे तरीके से चीनी जब मेल्ट हो जाएगी इसी में हम डाल देंगे पोहे का पाउडर जो हमने पीस करके रखा था। गैस को इस समय आपको स्लो रखना है और लगातार चलाते हुए तुरंत इसे आपको चलाना है, जिसमें से गाँटे ना पड़े। और सारे ड्राई फ्रूट हैं उन्हें भी हम डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। तो बस लगातार इन्हें चलाते रहेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। और ये बहुत ही आसान सी झटपट सी हमारे मोदक की रेसिपी बन रही है। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। कम से कम चीज़ों से आप इस तरीके से मोदक बना करके गणपति बप्पा को भोग लगाएं। और यहाँ पे हमने डाला 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। बस कम से कम चीज़ों से आप इस तरीके से पोहे का मोदक बना सकते हैं। तो सबको अच्छे से मिला लेंगे। गैस स्लो ही रखें, बिल्कुल भी तेज ना करें, नहीं तो डो जल जाएगा। तो बस जैसे सब अच्छे तरीके से मिल जाता है ना, डो जैसा हो जाता है, बस हमें इतना ही मिलाना है। उसके बाद गैस बंद कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें इन्हें पकाना नहीं है। और हाँ, अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो इसमें आप 1/2 कप चीनी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने 1/4 डाला है। अगर आप कम
मीठा पसंद करते हैं तो 1/4 कप ही चीनी डालें। पोहे का डो हमारा तैयार है, गैस बंद कर देंगे और ढक कर के रखेंगे 5 मिनट तक अच्छे तरीके से रेस्ट करने के लिए। और 5 मिनट हो जाने के बाद ढक्कन खोलेंगे और इन्हें हम अलग से किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे और इसे एक बार अच्छे तरीके से हाथों में घी लगा करके गूंद लेंगे। तो ये हमने प्लेट में निकाल लिया है, हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे और सारे डो को, पोहे के डो को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और ये काम आपको जब हल्का गर्म रहे तभी करना है। तो यहाँ पे डो हमारे अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं और इधर हमारे पास साँचा है, अगर आपके पास साँचा है तो ले लें या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो चलिए बिना साँचे के पहले हम आपको एक मोदक बना के दिखाते। तो इस तरीके से थोड़े से पोहे के मिश्रण हाथ में लेंगे और इस तरीके से घुमाते हुए मोदक का शेप देंगे और इसके बाद आपको इसमें डिज़ाइन देना है। तो चम्मच के किनारों से इस तरीके से आप दे सकते हैं या फिर चाकू की सहायता या फिर टूथपिक, इनमें से आपको जो भी सही लगता है आप उससे डिज़ाइन बनाएं और घर में ही हाथों से गणपति बप्पा के लिए मोदक बना के तैयार करें। तो ये रहा बिना साँचे के मोदक। तो चलिए अभी हम बनाते हैं साँचे वाला मोदक। तो यहाँ पे लॉक को खोलेंगे और इस तरीके से साँचे में हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और घी लगाना बहुत ज़रूरी है जिससे हमारे मोदक आसानी से निकल जाए, इसलिए साँचे में आप अच्छे तरीके से घी एक बार ज़रूर लगाएं। तो चलिए यहाँ पे हमने घी लगा दिया है और इसे हम पैक कर लेंगे और इधर से जो लॉक होता है ना इसे लॉक करना ना भूलें। तो लॉक करने के बाद यहाँ पे अभी हम पोहे के मिश्रण को इसमें भरेंगे। तो अच्छे तरीके से भरें और हाथों से प्रेस करते जाएं, अच्छे से दबाते जाएं जिससे अच्छा शेप बने मोदक का। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम साँचे में मिश्रण तो भर देते हैं पर वो जब खोलते हैं तो टूट जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम उंगलियों की सहायता से अच्छे से प्रेस करके उसे नहीं भरते हैं। तो इस तरीके से आपको दबा दबा करके मिश्रण को भरना है जिससे कि जब आप साँचे को खोलें तो आपका मोदक बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन करके निकले। तो यहाँ पे देखिए हमने मोदक भर दिया अच्छे तरीके से, ये दबा दें एक बार ज़रूर से और जो भी एक्स्ट्रा आपको लगता है वो डो निकाल दें। तो चलिए अभी हम लॉक खोल देते हैं और ये देखिए हमारे कितने सुंदर से मोदक बन करके तैयार हैं, देख रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर मोदक बने हैं और जितने सुंदर बने हैं ना खाने में उतने ही ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। तो चलिए मोदक को निकाल लेते हैं और देख रहे हैं ना कितने कम समय कम चीज़ों में आप इस तरीके से पोहे का मोदक बना के तैयार करें। गणेश चतुर्थी आने वाली है और आप सब इस तरीके से गणपति बप्पा को मोदक बना के चढ़ाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे बप्पा। तो चलिए यहाँ पे हमने हाथ से मोदक बनाया है और एक साँचे से, और एक और भी मोदक हम आपको बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पे लेंगे हम मोदक का साँचा और इस तरीके से थोड़े से ड्राई फ्रूट रखेंगे। तो ये हमारे पास पम्पकिन शीट है और आप इसकी जगह चाहे तो पिस्ते भी लगा सकते हैं। और पिस्ते रखने के बाद आपको मोदक के डो को रखना है, तो दोनों तरफ आपको इसी तरीके से करना है साँचे के दोनों तरफ से, और रखने के बाद अच्छे से इसे पैक कर देना है। तो दोनों साँचों को जब इस तरीके से भर देंगे डो से और इसके बाद इसे हम लॉक कर देंगे इधर से, लॉक करने के बाद फिर से हम अच्छे तरीके से जितना हो सके आसानी से जाता है साँचे के अंदर डो हम भर देंगे। और उसके बाद जब आप मोदक खोलेंगे ना साँचे से बाहर निकलेगा, आपको यकीन नहीं होगा बहुत ही ज़्यादा सुंदर मोदक हमारे बनके तैयार होंगे। लॉक खोलेंगे और ये देखिए, चलिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कितने सुंदर बने हमारे मोदक। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप चाहे तो सूखे गुलाब की पंखुड़ियों भी आप इस तरीके से मोदक में लगा के इसे एक डिज़ाइन दे सकते हैं। और ये हमारा सुंदर सा छोटू सा मोदक बन करके तैयार है। पोहे के मोदक बनाना बहुत ही आसान है, आपने देखा ना, और इसमें की सामग्री भी कम से कम है। इसमें आपको चाहिए सिर्फ 1 चम्मच देसी घी, 1 कप पोहा, 1 कप दूध और 1/4 कप चीनी। मीठा आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पोहा मोदक बन करके तैयार है। पोहा मोदक जो कि बनाने में आसान, खाने में सरल, स्वादिष्ट, पौष्टिक और कम से कम समय में झटपट बन के तैयार हो जाता है। इसे बनाने के लिए बहुत समय सामग्री की ज़रूरत नहीं होती है। तो
तो आप भी अपने घर पे पोहा मोदक बनाएं और भगवान गणेश को मोदक प्रसाद के रूप में भोग लगाएं, खाएं और खिलाएं। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री गणेश, गणपति बप्पा मोरिया।